ज़िया मुहुद्दीन की याद में फ़ॉलोइंग दुट स्टेप्स ऑफ ज़िया मुहुद्दीन ये अफ्ता मैं हर मज़मून के साथ पेश करूँगा ताकि नए पढ़ने वालों को आगाही रहे यूँ तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़बान और हर ज़बान को क़वत गुफ्तार अता की है लेकिन हर जबान में सहर और हर बयान में एजाज़ नहीं होता रोना और हंसना किसको नहीं आता लेकिन किसी के रोने से मोती बिखरते हैं और किसी के हंसने से फूल झड़ते हैं यूँ तो हर ज़मीन दरख्त उगाती है और पौधे पैदा करती है लेकिन हर ज़मीन सोना नहीं उगलती इसी तरह ज़िया मोहुअन साहब महरूम का मुनफरद और अछूता अंदाज़ बयाँ अब तक अदब की दुनिया में रोशन रहेगा मैं नाचीज़ ज़िया साहब की जगह तो नहीं पुर कर सकता हूँ बट आई वॉन्ट टू फॉलो इन हज़ फुट स्टेप्स पेश ख़दमत है कन्हैया लाल कपूर का मज़मून इनकम टैक्स वाले मुनकर नकीर और महकमा इनकम टैक्स के इंस्पेक्टरों में यही फ़र्क है कि मुनकिर नकीर मरने के बाद हिसाब मांगते हैं और मौखरज़िकर मरने से पहले बल्कि ये कि मुनकिर नकीर सिर्फ़ एक बार मांगते हैं और इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर बार बार नीज़ के कि नकीर गुनाहों का हिसाब लेते वक्त सवाब को नज़रअंदाज नहीं करते मगर इनकम टैक्स तजवीज़ करने वाले सिर्फ गुनाहों में दिलचस्पी रखते हैं सवाब से उन्हें कोई सरोकार नहीं आमदनी को गुनाह में इश्तराकियों की अशलाह में कह रहा हूँ मुलायजा हो एक इश्तराकी फ़िलासफ़र का नज़रिया कि तमाम साहेब जादार चोर हैं इधर मार्च का महीना आया उधर उनके प्याम आने शुरू हुए कि साहब एक हफ़्ते के अंदर अंदर आमदनी का नक्शा पुर करके दफ्तर में भेज दीजिए वरना आप पर जेर दफ़ा फ़ला मुकदमा चलाया जाएगा इसे कहते हैं मुफ्त खोरी और सीना जोरी भला कोई उनसे पूछे कि साहब जब हम सारा दिन दफ्तर में पेंसिल घिसाते थे अफसरों की घुड़कियाँ सहते थे सुप्रटेंडेंटों के नाज उठाते थे उस वक्त आप कहाँ थे कभी फूटे मुंह से ये ना कहा लाओ इन रकम की मैज़ान मैं कर दूं या इस फाइल से मैं निपट लूँगा और जब पैसों का मुंह देखना नसीब हुआ तो आप आ धमके और लगे रोब जमाने के हमारा हिस्सा लाओ अगर आजिजी से मांगे तो कोई ऐब नहीं कि राह खुदा हम गरीबों के भी दो है मिली गर तुम को सरवत चंद रोज़ मगर यहाँ तो इस करो फर से मुतालबा किया जाता है गोया हम कमाते ही उनके लिए हैं और ये बीवी बच्चों का किस्सा तो गोया अल लैला की दास्तान है मगर सिर्फ मुतालबे पर ही मामला ख़त्म नहीं हो जाता आमदनी का नक्शा पुर करने के बाद एक दिन दफ्तर में भी तशरीफ़ लाइए ताकि इंदराज की तस्दीक की जा सके और जब आप अपना कीमती वक्त ज़ाया करके वहाँ जाते हैं तो आपकी क्या गत बनाई जाती है बरामदे में जहाँ आपको घंटों इंतज़ार करना है कोई बेंच या कुर्सी नहीं दूसरे जितना अरसा आप बरामदे में खड़े रहते हैं दफ्तर में काम करने वाले बाबू और चपड़ासी आपको इस तरह घूर घूर कर देखते हैं गोया आप जेल से भागे हुए मुजरिम हैं मगर सबसे बड़ी कोफ्त ये कि महकमा इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर अपने आप को फेरा या कम अज़ कम हिटलर से कम नहीं समझते इसलिए जब आप झुक कर सलाम बजा लाते हैं तो वो या तो मुँह दूसरी तरफ फेर लेते हैं या फिर सिगार का धुआं आपके मुंह की तरफ छोड़ते हुए आप पर यूं निगाह गलत अंदाज डालते हैं जैसे आप इंसान नहीं बल्कि रींगने वाले कीड़े और उसके बाद गुस्ताखाना का सिलसिला ये नक्शा आपने पुर किया है जी हाँ आप ही का नाम है दीनदयाल जी हाँ आप कहाँ प्रोफेसर हैं कल्चरल कॉलेज में आपकी तनख्वाह एक सौ बीस रुपए महाना और आप दिल ही दिल में झुंझुला कर कहते हैं कम बखत अंधा है पढ़ नहीं सकता नक्शे में इन तमाम सवालों के जवाब लिख तो दिए थे इस इसम के तीन चार बेजर सवाल करने के बाद आमदन बरसरे मतलब वाला मामला शुरू होता है हाँ तो आपने तनख्वाह के अलावा अपनी बालाई आमदनी क्यों नहीं दिखाई जनाब आप मुनकसराना लहजे में कहते हैं आ, तनख्वा के अलावा मेरी कोई और आमदनी नहीं हूँ वो मुँह से पाइप या सिगार निकाल कर अंदाज में फरमाते हैं और वो जो जनाब ने कबूतर नामा लिखा था उसकी रॉयल्टी क्या हुई जी क्या करूँ बंदा परवर साल भर में कुल तीन कापियाँ फ़रोख्त हुई जिन पर साढ़े साढ़े तेरह आने रॉयल्टी मिली साढ़े तेरह आने से मतलब नहीं वो गरज कर फरमाते हैं आमदनी के नक्शे में उसे भी दिखाना चाहिए आप दबी ज़बान से अपनी ग़लती का एतराफ़ करते हैं वो गुर्रा कर फिर पूछते हैं और वो जो आपको रेडियो से मुआवजा मिला वो क्यों नहीं दिखाया अजय हज़रत वो क्या मुआवजा था ढाई मिनट के लिए बच्चों के एक फीचर प्रोग्राम में गीदड़ का पार्ट अदा किया था जिसके ढाई रुपये मिले अब मैं वो क्या आमदनी के नक्शे में दिखाता वो इसी फिरौनीत के साथ जवाब देते हैं कुछ भी हो इंदराज मुकम्मल होना चाहिए चंद सानियों की अजियत बख्श खामोशी के बाद वो फिर आपसे मुखातिब होते हैं हाँ और वो जो आप राय बहादुर मस्तिया मिल की लड़की को बतौर मम्म पढ़ाते रहे वो ट्यूशन फ़ीस आपने दर्ज नहीं की जनाब राय बहादुर बीस रुपए माहवार तो देते थे और उनकी कोटी थी ग़रीब खाने से छः मील दूर पंद्रह रुपए माहवार तांगे वाला ले लेता बाकी रहे पाँच उनसे सिगरेट पान का खर्च चलता मगर वो दहाड़ कर कहते हैं आमदनी आमदनी है पाँच हो या पचास और आप बेहद मरूब होकर सोचने लगते हैं ये कम इनकम टैक्स वाले हिसाबदान होने के अलावा गज़ब के सुराग रसा भी हैं आपकी आमदनी के मुतालिक आपसे भी ज़्यादा जानते हैं हालांकि आपने सिर्फ रेडियो वालों की लाज रखने के लिए ढाई रुपए की ग्रा कदर रकब का जिक्र न किया था और अगरचे कबूतर नामा की रॉयल्टी आपके जहन से बिल्कु बिल्कुल उतर चुकी है मगर उन्हें सब कुछ याद है आपकी आमदनी के तमाम ज़रियों का उन्हें पता है आप ये सोच ही रहे होते हैं कि वो लाल लाल आंखें निकाल कर कहते हैं आपको मालूम है आमदनी छुपाना जुर्म है और पेशतर इसके कि वो आपको तज़ीर की इस दफ़ा का ज़िक्र हवाला दे सकें जिसके तहत आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है आप माफ़ी मांगने पर उतर आते हैं और ये है वो बात जिस पर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टरों को नाज है कि कल्चरल कॉलेज का प्रोफेसर दीनदयाल जो एम होने के अलावा एल भी, भी है उनसे गिड़गड़ा कर माजरत कर रहा है और दरअसल इसी अमर के लिए तो आपको दफ्तर में तलब किया गया था ताकि इंस्पेक्टर साहब अपने अहबाब में मूँछों पर ताव देकर कह सकें अजी हमारी मौजूदगी में बड़ों बड़ों के जोहरे आप हो जाते हैं परसों कल्चरल कॉलेज के एक प्रोफेसर को इतना धमकाया कि बेचारा थर थर कांपने लगा सिगार के दो चार कश और लगाने के बाद वो आपकी माजरत कबूल फरमा लेते हैं जिसका पता इस बात से चलता है कि वो आपको बैठने के लिए कुर्सी पेश करते हैं मगर रुख्सत होते वक्त ये ख़ुशखबरी आप की गोश गुज़ार की जाती है कि उन्होंने आपकी की हालत ज़ार पर रहम खाते हुए सिर्फ़ एक सौ बीस रुपया इनकम टैक्स तजवीज़ किया है जो आपकी एक महीने की पूरी तनख्वाह है इस पर भी आप नाराज़ होने के बजाय उनका शुक्रिया अदा करते हैं मगर जब घर लौटते हैं तो दिल ही दिल में कहते हैं आमदनी आमदनी है पाँच हो या पचास खूब मगर क्या खर्च खर्च नहीं पाँच सौ हो या पाँच हज़ार और इस वक्त आपका जी चाहता है कि काश ये ज़बान दराज अफ़सर आपके अखराजा का भी जायज़ा ले सकता और जैसे आपकी आमदनी के तमाम ज़रा मालूम हैं काश उसे आपके खर्च की तफासिल भी इसी तरह अजवर होती काश उसे ये पता होता कि आपकी आधी से ज़्यादा आमदनी बीवी की साड़ियों पर ख़र्च होती है एक चौथाई आपके फ़ैमिली डॉक्टर की जेब में चली जाती है और अगर आपका हमसाय आपको कर्ज ना दे तो शायद आपको किसी यतीम खाने की पनाह लेनी पड़े और आप सर्द आह खींच कर कहते हैं सिर्फ़ एक सौ बीस रुपये इनकम टैक्स तजवीज़ करने वाले मेहरबान अगर तुझे वाकई मेरे अखराज का इल्म होता तो इनकम टैक्स तजवीज़ करने के बजाय गवर्नमेंट से मुझे स्पेशल वजीफ़ा दिलवाता मगर अफसोस तो यही है कि तुझे मेरे अखराज का इल्म नहीं